दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जूनियर रेसलर सागर धनखड़ मर्डर केस में फंस चुके ओलंपियन सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। उत्तरी रेलवे ने सुशील पर लगे हत्याकांड के आरोपों के बाद उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार की ओर से ये जानकारी दी गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुशील कुमार की ओर से किया गया नौकरी बढ़ाने का आवेदन खारिज कर दिया था। सरकार की ओर से उसे उत्तर रेलवे विभाग को भेज दिया था, जहां वो कार्यरत थे। सुशील दिल्ली सरकार में 2015 से डेप्यूटेशन पर थे और उनका कार्यकाल 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वो इसे 2021 में भी बढ़वाना चाहते थे। मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद अब सुशील को मिले पद्म पुरस्कार पर भी काले बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि इस बारे में कोर्ट का फैसला आने के बाद ही गृह मंत्रालय अगला कदम उठा सकता है। सुशील कुमार को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए साल 2011 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा सुशील कुमार के पास कई मेडल्स भी है। आपको बता दें कि सुशील पर युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। बीते 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुई मारपीट से लगी चोटों के चलते सागर की मौत हो गई थी। इस हत्या के बाद सुशील काफी दिनों तक फरार रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 20 दिन बाद सुशील कुमार और उसके साथी अजय बक्करवाला को दिल्ली के ही मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेश कर 12 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने पुलिस को 6 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। उम्मीद है कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा। हालांकि इस बीच सूत्रों के मुताबिक सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम में होने की बात कबूल की है। सुशील ने कहा कि वो दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था, जो कि लड़ रहे थे। हालांकि सागर और सोनू को मॉडल टाउन से लाने की बात सुशील ने नहीं कबूली है। पूछताछ के दौरान सुशील ने बार बार अपना बयान बदला और वो काफी घबरा भी रहा था। सुशील कुमार देश के सबसे प्रतिष्ठित रेसलर गिने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यही नहीं, 2012 में लंदन में हुए अगले ओलंपिक में सुशील ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी और रेसलर थे। सुशील को राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।